दोस्तों घर एक ऐसी जगह होती है जहां लोग शांति के कुछ पल बिताने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर एक ही जगह पर बार बार आप जाएंगे तो वो जगह भी बोरियत से भर जाएगी। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस दुनिया में मौजूद सबसे ठंडी जगह पर लोग किस तरह अपनी जिंदगी बिताते होंगे? या फिर क्या आप किसी ऐसे गाँव के बारे में जानते हैं जो पानी के ऊपर तैरता है? या फिर आपको किसी ऐसी जगह के बारे में मालूम है जहाँ पर लोग अपनी जान का जोखिम लेकर पहुँचते हैं? बता दें आपको कि हम हवा में बातें नहीं कर रहे, बल्कि वाकई में इस तरह की अजीब और गरीब और अतरंगी जगहें इस दुनिया में मौजूद हैं, जहां लोग बड़े ठाट बाट से अपनी जिंदगी बिताते हैं। और आज ऐसी जगहों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हैंगिंग टेंपल। दोस्तों चाइना में रहने वाले लोग केवल अतरंगी नहीं होते, बल्कि यहाँ पर मौजूद मंदिर भी किसी अजूबे से कम नहीं लगता भाई, जिसका सबसे बड़ा नजारा आप हैंगिंग टेंपल के रूप में देख सकते हैं, जो कि दिखने में किसी मौत के दरवाजे जैसा दिखता है, जहाँ अगर किसी ने हल्की सी भी गलती कर दी ना तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान डायरेक्ट ऊपर बुला लेंगे। जमीन से 240 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये मंदिर पहाड़ के बिल्कुल साइड में बना हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसको लटकाया गया है, क्योंकि नीचे कोई भी ठोस चीज नहीं है जो कि मंदिर को रोके रख सके। ऐसे में अगर इतनी ऊंचाई पर पहाड़ में कोई भी दिक्कत आती है तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि चाइना के इस मशहूर मंदिर के अंदर क्या हाल होगा। लेकिन इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके लोगों की ऐसी भीड़ यहाँ जुटती है कि भैया क्या बताएं। सिर्फ चाइना में रहने वाले लोग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग इस लटके हुए मंदिर के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। लेकिन हाँ, जान का खतरा मोल लेने के बाद इस मंदिर से जो शानदार नजारा दिखता है वो किसी जन्नत से कम नहीं है। शोंगनीज फ्लोटिंग विलेज। आइए अब आपको कंबोडिया की ऐसी झील दिखाते हैं जहां लोग केवल तैरने नहीं जाते, बल्कि इस झील पर लाखों लोग अपना गांव बसा कर लेते हैं। जी हां, टोनल सैप नाम की इस झील पर कई सारे लोगों ने फ्लोटिंग हाउस बनाए। अब आप सोच रहे होंगे भला ये लोग पानी के अंदर कैसे रखते हैं? तो आपको बता दें इनकी जिंदगी हमसे और आपसे कहीं गुना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस झील में इन्होंने अपना बसेरा बनाया वहां हजारों प्रकार की अलग अलग मछलियां पाई जाती हैं, जिनका व्यापार करके ये लोग अपनी जिंदगी जीते हैं और बड़े मजे से अपने तैरते हुए घर में रहते हैं। और अगर इन्हें कुछ चाहिए होता है तो उसकी व्यवस्था भी इसी झील में कर दी गई है। दुकानों से लेकर अस्पताल तक सब कुछ आपको झील के अंदर मिल जाएगा, इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, और शायद इसीलिए लोग इतनी बड़ी संख्या में पानी के ऊपर रह पा रहे हैं। वरना तो अगर हमारे घर के चारों तरफ पानी मौजूद हो हम तो भैया अपना घर ही छोड़कर भाग जाए। द कोल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। दोस्तों अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस की ठंड में कांपने लगते हैं और रजाई से नहीं निकलते हैं तो जनाब रशिया में मौजूद यकुत्सक के बारे में सुनकर तो आपका पक्का दिमाग घिल जाएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर लगातार -10 डिग्री से लेकर -44 डिग्री के बीच में बना रहता है, और कई बार तो यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा भयंकर हो जाता है भाई। और यहाँ तक कि अब तक का रिकॉर्ड टेम्परेचर -83.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा चुका है। ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ रहने वाले लोग किस तरह अपनी जिंदगी बिता रहे होंगे। वेल, लोगों से याद आया आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 3 लाख के आसपास लोग रहते हैं। जब यहाँ गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, और इसी दौरान लोग अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद कर रख लेते हैं ताकि जब ठंड का मौसम आए तो उन्हें अपने घर से ज्यादा ना निकलना पड़े। हालांकि कामकाज पर जाने वाले लोग तो घर से निकलते हैं, लेकिन जब बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ती है ना तो उन्हें भी अपने घर में रुकना पड़ता है, क्योंकि इस जानलेवा ठंड में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। पर हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर रहने से पीछे नहीं हटते। द टनल्स ऑफ बुचारेस्ट। दोस्तों आलिशान घरों में रहने वाले लोगों को तो आपने बहुत देख लिया, लेकिन रोमानिया के कैपिटल सिटी बुचारेस्ट में रहने वाले सैकड़ों लोगों की जिंदगी सीवर के अंदर बीत रही है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस अंडरग्राउंड दुनिया में लगभग 1100 बच्चे रहते हैं। असल में सोवियत यूनियन के बर्बाद होने के बाद इस देश के अनाथ आश्रम बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से उस समय अनाथ आश्रम में पल रहे सैकड़ों बच्चों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने सीवर को ही अपना घर बना लिया, और अब उनकी पूरी जनरेशन सीवर के अंदर ही अपनी जिंदगी बिता रही है। इतना ही नहीं, जिस किसी के पास रहने के लिए घर नहीं होता ना, वो सर ढकने के लिए सीवर के अंदर ही अपनी दुनिया बना लेता है। ऐसा करके अगर आज देखा जाए तो रोमानिया की रंग जनरेशन का एक बड़ा हिस्सा सीवर के अंदर जिंदगी बिता रहा है भाई। हेल स्टेट चाइना। दोस्तों चाइना को न केवल दूसरे देशों के प्रोडक्ट चोरी करने की आदत है, बल्कि इसने तो चोरी के मामले में हर किसी के कान काट रखे हैं। तभी तो आप लोगों ने यूरोप के ऑस्ट्रिया के फेमस हॉलस्टेट नाम की जगह के बारे में सुना होगा, जहां घर खरीद कर रहने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन वहां घर खरीदने की औकात कुछ ही लोगों के पास होती है। और इसी चीज को सोचकर चाइना ने ऑस्ट्रिया के हॉलस्टेट की हूबहू कॉपी अपने देश में बनाकर रखी है, जो देखने में ऑस्ट्रिया जैसी लगती है, जिसे आप असली हॉलस्टेट का
रेप्लिका भी कह सकते हैं। इसे पूरी तरह से चाइना में बनाया गया और इसे बनाने की खास वजह चाइना में रहने वाले अमीर लोगों की जेबों पर डाका डालना है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर यूरोप का माहौल देने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में अगर आपको चाइना के अंदर यूरोप के गांव जैसा नजारा मिल जाए तो भाई क्या ही बात है। और ये कोई अकेली ऐसी जगह नहीं है, चाइना ने ऐसी न जाने कितनी फेमस जगहों की कॉपी अपने देश में बना रखी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित कर सके। सिटिनल डे लास बोर्जेस। दोस्तों, स्पेन जैसे खूबसूरत जगह की खूबसूरती अगर आपको देखनी है तो इस गांव में आना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग के घर देखने को मिलेंगे। इन घरों की खास बात यह है इनका सफेद रंग, बल्कि चट्टानों के साइड में बनाई जाने वाली बिल्डिंगें भी हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मौजूद घरों को चट्टानों से बिल्कुल सटा का बना गया, या फिर कह लीजिए कि उनके नीचे बना गया, ताकि गर्मी के मौसम में ये चट्टाने घरों को ठंडक पहुंचाए। इन सफेद घरों से बने स्पेनिश टाउन को कई सारे टूरिस्ट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसे देखने के लिए यहाँ हर साल लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है। जितने लोग इस टाउन में नहीं रहते उससे कहीं ज्यादा लोग तो यहाँ पर घूमने आते हैं, क्योंकि चट्टानों के किनारे बने इस पूरे गांव की खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है भाई। एलिडे आइलैंड। अगर आप भी 9 to 5 जॉब कर करके तंग आ चुके हैं और जिंदगी में एकांत चाहते हैं, या फिर सोशल मीडिया चलाकर बोर हो गए और सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली जाए, तो ये आइलैंड आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके रहने के लिए घर भी बना है और उस घर में आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। ये एक प्रकार का लाउंज है जिसे 1953 में बनाया गया था और तब से लेकर अब तक ये सुनसान है। हालांकि समय समय पर यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आते हैं और इस सुनसान जगह पर बनी दुनिया के सबसे एकांत घर में रहने का मजा लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ जा सकते हैं, बस थोड़ा देख संभल कर जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो शांति मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा नहीं है और खाना भी आपको खुद ही ले जाना पड़ेगा। इतनी सारी तकलीफें होने के बावजूद भी टूरिस्ट यहाँ पर आने में कोई कसर नहीं छोड़ते भाई। ड्रियाना रिवर हाउस। अब दोस्तों, नदी के बीचों बीच बने इस घर को आप छोटा सा साइलेंट कह लीजिए या कह लीजिए कि घर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात पक्की है कि ये बहुत ही अद्भुत जगह है जिसके बनने की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि 1968 में कुछ दोस्त स्विमिंग कर रहे थे, पर उन्होंने सोचा कि उनके पास रॉकी आइलैंड जैसी कोई जगह होनी चाहिए जहां वो तैरने के दौरान आराम कर सके। हालांकि यहां मौजूद पत्थर काफी उबड़ खाबड़ थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो इसी पत्थर के ऊपर एक घर बनाएंगे, जिसके बाद उन दोस्तों ने मिलकर पत्थर के ऊपर घर बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यहाँ पर घर भी बन गया। पर हैरान करने की बात तो यह है कि जिस नदी के ऊपर ये घर बना है वो कभी कभी कुछ ज्यादा ही भयंकर रूप ले लेती है, जिसकी वजह से अब तक 6 बार पत्थर के ऊपर बना ये घर टूट चुका है। लेकिन ये जितनी बार टूटता है उतनी बार कोई ना कोई आकर इसे बना जाता है, ताकि लोग पत्थर के ऊपर बने इस घर का दोस्ती की मिसाल के रूप में आनंद ले सके। पोंटे वकीशियो। आइए अब आपको इटली के एक ऐसी शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस पर ले जाते हैं जिसे देखने के लिए लोग पागल रहते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक ऐसा ब्रिज है जिसके ऊपर से लोग तो आते जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लोग अपना घर भी बनाकर रहते हैं और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती मेरे भाई। 13वीं शताब्दी के इस ब्रिज पर अलग अलग तरह की दुकानें भी हैं। जहाँ नॉर्मल ब्रिज से लोग केवल गाड़ियां ले जाते हैं, वहीं इस ब्रिज पर खास तौर पर लोग घूमने के लिए निकलते हैं, तभी तो इस दुनिया के सबसे मशहूर ब्रिज में से एक के तौर पर इसे जाना जाता है। यहाँ रहने वाले लोग अलग ही लेवल की जिंदगी जीते हैं। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो देखकर आपको मजा आया होगा। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और ऐसी शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।